नमस्कार, मैं हूं नीलेश भानपुरिया और आप देख रहे हैं SMS न्यूज़। खबर है तो दिखेगी। रेलवे में सफ़र के दौरान रेलवे यात्री की जो यात्री खिड़की होती है उसकी एक अपनी दुनिया, अपना मंज़र होता है, लेकिन रेलवे यात्री को उस अपनी दुनिया और मंज़र तक पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशंस पर ट्रेन में चढ़ने के दौरान कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, इसी को लेकर भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा भारत देश के 1287 के लगभग स्टेशंस और साथ ही साथ में बात करें मध्य प्रदेश की तो 80 स्टेशन और रेलवे मंडल के 18 स्टेशनों को अमृत भारत योजना से जोड़ने की बात कही जा रही है। अमृत भारत योजना से इन स्टेशनों को जोड़ने के बाद में कई ऐसी सुविधाएं हैं जो जंक्शन पॉइंट्स पर मिलती है और जो छोटे स्टेशनों को नहीं मिल पाती वो सुविधाएं इन छोटे स्टेशनों पर मिलने लगेगी। उन सुविधाओं में आप देख सकते हैं एंट्री गेट, आउटर गेट, पार्किंग की सुविधा, यात्री प्रतीक्षालय, पूरे स्टेशन पर वाईफाई जोन का होना, छायादार शेड या फिर अन्य सुविधाएं, यात्री डिस्प्ले कोच, यात्री टिकट काउंटर, बहुत सारी सुविधाएं। भारत योजना, अमृत योजना के साथ में जो अब नवीनीकृत जो स्टेशन है जिसमें झाबुआ ज़िले, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा झाबुआ ज़िले का एकमात्र रेलवे स्टेशन मेघनगर भी इस योजना में शामिल होने जा रहा है। क्या कहते हैं अमृत भारत योजना को लेकर क्षेत्रीय सांसद गुमान सिंह डामोर, आइए सुनिए। वंदे भारत स्टेशन बनता है, पहला रतलाम का और दूसरा मेघनगर ट्राइबल क्षेत्र का। हमारा पहला जो मेघनगर का स्टेशन है यह विश्व स्तरीय स्टेशन बनेगा, इस दिशा में हमारा प्रयास है। मैंने तो मांग तो बामनिया की और सबकी की थी, पर इस बजट में उन्होंने हमको मेघनगर दिया है और रतलाम दिया। तो सुना आपने किस तरह से क्षेत्रीय सांसद गुमान सिंह डामोर ने मेघनगर रेलवे स्टेशन को ये सौगात दी है। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि समय समय पर वो रेलवे से संबंधित और अन्य सुविधाओं से संबंधित मांग वो रेलवे मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं और साथ ही साथ में प्रधानमंत्री मोदी को यह बात बताते रहते हैं और लगातार वो मांग करते हैं कि आदिवासी क्षेत्र में जो लाइफलाइन कही जाती है रेलवे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सुविधाएँ मिले। आपने बजट काल में जो अमृतकाल का बजट पेश हुआ उसमें भी देखा होगा कि 455 करोड़ इंदौर से जो धार रेलवे लाइन है उसमें भी दाहोद इंदौर रेलवे लाइन को जो बजट में मिला है 455 करोड़ रुपए और साथ ही 355 करोड़ रुपए जो छोटा उदयपुर से अलीराजपुर की जो लाइन है उसमें जो तेज़ गति से काम भी आप देख सकते हैं चल रहा है, 355 करोड़ रुपए का एक बजट मिला है। इसके अतिरिक्त भी यदि ये बजट के अतिरिक्त भी यदि काम में राशि खत्म हो जाती है तो आगे भी ये राशि जो है डिमांड के साथ साथ सांसद गुमान सिंह डामोर इन तीव्र गति से रेलवे के कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं मेघनगर रेलवे स्टेशन पर वर्तमान में जो असुविधा है इसको लेकर। जैसे ही ये घोषणा हुई कि मेघनगर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के अंतर्गत जोड़ा जाना है, एक दिवसीय दौरे पर रतलाम मंडल के जो DRM है रजनीश कुमार, वह मेघनगर पहुंचे। सोमवार को उन्होंने बारीकी से पूरे रेलवे स्टेशन का जायज़ा लिया, एंट्री गेट पर कुछ स्वच्छता संबंधित दिशा निर्देश दिए। उन्होंने नाराज़गी भी व्यक्त की कि एंट्री गेट पे जो गंदगी थी उसे तत्काल प्रभाव से हटाकर साफ़ सफाई की जाए। एंट्री गेट, आउटर गेट और दोनों ही गेट पे नवीन निर्माण, साथ ही साथ में जो समस्या मेघनगर रेलवे स्टेशन पर व्याप्त है जैसे विंडो की टिकट का एक ही बुकिंग काउंटर होना, उसको भी यहाँ के स्थानीय जो पत्रकार संघ, भारतीय पत्रकार संघ और तहसील पत्रकार संघ और अन्य सामाजिक संगठन उन्होंने DRM से बात की, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उनकी तरफ से भी ये डिमांड की गई कि दो टिकट विंडो काउंटर, साथ ही साथ में प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जो रैक पॉइंट है रेलवे का, जो माल अनलोड और लोड होता है उसमें जो ट्रक का परिवहन है मेघनगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ अन्य गंतव्य स्थान तक पहुंचता है, तो उसे भी प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जोड़कर जो पुरानी फाटक है उसी जो रेलवे की सीमा बाउंड्री उसी में एक रोड निकाल कर, ताकि ये जो मार्केट में ओवरलोड गाड़ियाँ या फिर अन्य गाड़ियाँ जाती है उससे एक्सीडेंट और दुर्घटना की समस्या खत्म हो जाए। RPF के समीप पे गार्डन है उसे भी व्यवस्थित करने की बात कही। GRP के जो निवास स्थान है, GRP पुलिस का निवास स्थान है, उनके भी जो क्वार्टर्स हैं उसे व्यवस्थित करके नए क्वार्टर्स बनाने की भी डिमांड की गई। साथ ही डिस्प्ले कोच, जो रेलवे स्टेशन पर जो डिस्प्ले कोच होते हैं जहाँ ट्रेन्स खड़ी होती हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 2 या 3 या 4 पे, वहाँ पे डिस्प्ले कोच की भी, LED डिस्प्ले कोच की भी डिमांड की गई। रैक पॉइंट पर लाइट्स कुछ कम थी उसमें भी पोल बढ़ाकर लाइट बढ़ाने की बात की गई। कोई ऐसी
कुछ ऐसी ट्रेंस है जो एक्सप्रेस निकल जाती है मेघनगर पे, स्टॉपेज नहीं है, जिनमें जैसे खाटू श्याम जाने वाली ट्रेनें हैं, जयपुर जाने वाली ट्रेनें हैं, रामदेवरा जाने वाली ट्रेनें हैं या फिर अजमेर जाने वाली ट्रेनें हैं, उनका एक स्टॉपेज की भी मांग यहाँ पर स्थानीय रहवासियों द्वारा की गई। साथ ही साथ में जो मुख्य समस्याएँ यहाँ की लाइफलाइन कही जाती है, डेमो है, पार्सल है, उसमें डब्बों की संख्या निर्धारित है, उन डब्बों की संख्या बढ़ाने की बात की गई, तो तमाम ऐसी रिक्वायरमेंट थी। एक बड़ी समस्या यहाँ पर है, मेघनगर का जो रेलवे का जो सीनेरियो है, मुंबई से लगाकर दिल्ली तक का जो रेलवे पॉइंट है वो मेघनगर के हृदय मतलब सेंटर में से होकर जो लाइन गुजरती है। अब ये ओवरब्रिज बनने की वजह से ये दो भागों में बढ़ गया है। रेलवे कॉलोनी या गणेश मंदिर से आने वाले लोगों को यदि मेघनगर में आना हो, बस स्टैंड आना हो, तहसील कार्यालय आना हो, गवर्नमेंट स्कूल आना हो, तो उन्हें 4 किलोमीटर का एक लंबा राउंड काट कराना पड़ता है। इसको लेकर जो पुरानी रेलवे फाटक थी उसके पास में जो एक पुराना नाला है वहाँ पर अंडर ब्रिज की भी यहाँ पर डिमांड की गई, तो काफ़ी सारी डिमांड्स यहाँ पर की गई है। DRM यहाँ पर जो पहुँचे थे उन्होंने बहुत कुछ कहा और यह भी कहा कि 2023 तक इन सारे 99% कामों को पूर्ण कर लिया जाएगा। अमृत भारत योजना से मेघनगर स्टेशन को जोड़ा जा रहा है। कई समस्याएं जो आपकी हमें अवगत कराया गया है उन समस्याओं को स्टेशन भारत योजना में जो स्टेशन में सम्मिलित किया गया मेघनगर को उसमें यह सारी चीज़ें समाप्त हो जाएगी। तो ये जो समस्याएं हैं इनको लेकर यहाँ के DRM क्या कहते हैं, आइए सुनिए। अमृत भारत के कुछ स्टेशन हैं जिसमें रतलाम डिवीज़न के भी कई सारे स्टेशन हैं और बात सही है कि मेघनगर भी उसी में। इस योजना में स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में हम ये जज कर रहे हैं कि यहाँ क्या क्या सुविधाओं की और आवश्यकता है और जो आवश्यक होगा दिया जाएगा यहाँ पर। देखो, डब्बे ट्रेन में कितने होने चाहिए ये असेसमेंट जो पैसेंजर्स जितने चलते हैं उसको देख के लगातार होता रहता है और उसी आधार पर कम ज़्यादा किए जाते हैं। फिर भी अगर कोई समस्या है आप कह रहे हो डेमो में, तो इसको एग्जामिन करा लेंगे। कमियां जैसे गुड शेड में सुधार की आवश्यकता है और एंट्री पर गंदगी थोड़ी सी है वो सुधरवाएंगे और यात्री सुविधाओं में जैसे कई जगह पे शेड का विस्तार है, FOB बेटर करने का काम है, कोच गाइडेंस डिस्प्ले भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जल्दी लग जाए, इस तरह की सुविधा। यहाँ तक दो हिस्सों में बंटने की बात है तो FOB के थ्रू FOB के माध्यम से दोनों हिस्से जुड़े हुए हैं अभी भी, और आप जो अंडरपास की बात कर रहे हैं वो मुझे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने बताया, वो बेसिकली नाला है शायद, तो नाले में होकर तो ये सुविधा नहीं दी जा सकती, फिर भी जो होगा देखा जाएगा। ग्रिको ने उसकी बात बताई है और इसकी जो फिजिबिलिटी चेक करवा के कोशिश करेंगे कि ये समस्या सॉल्व हो सके। 2023 में विधानसभा और उसके कुछ ही समय बाद लोकसभा चुनाव भी संपन्न होना है। अब ये मेघनगर रेलवे स्टेशन को लेकर जो घोषणाएं की जाती है, हालांकि 2008 में जो लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर थे उन्होंने मॉडर्न रेलवे स्टेशन मेघनगर में घोषणा की थी, उसका लाभ भी मेघनगर रेलवे स्टेशन और यहाँ के यात्रियों को मिला था। अमृत भारत योजना के साथ में रेलवे स्टेशन को जोड़ने की जो बात की जा रही है निश्चित रूप से उसका लाभ तो मिलेगा, लेकिन ये घोषणाएँ धरातल पर कितनी जल्दी उतरती है ये देखने का विषय रहेगा। आप भी यदि रेलवे से संबंधित समस्या या फिर रेलवे में सफ़र करते हैं, कुछ समस्या आपको हो या रेल मेघनगर के आसपास क्षेत्रों में आप निवास करते हैं, मेघनगर रेलवे स्टेशन या झाबुआ ज़िले के जो अन्य रेलवे स्टेशन हैं उसको लेकर क्या समस्या है, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि नेक्स्ट इंटरव्यू में जब भी हम DRM या क्षेत्रीय सांसद गुमान सिंह डामोर से मिलें तो उन संबंधित समस्याओं से उन्हें अवगत कराया जा सके। फिलहाल SMS न्यूज़ के कैमरा पर्सन मनीष नलवाया के साथ नीलेश भानपुरिया, झाबुआ।